उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायकों में टूट और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से क्रॉस वोटिंग करने की खबर आ रही है। क्या राजनीति में हलचल है? लखनऊ में राज्यसभा के गेम में कौन जीतता दिखाई दे रहा है और कौन हारता दिखाई दे रहा है? इन सभी सवालों के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या है चुनाव की नई हलचल जो चल रही है वहाँ? देखिए निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर इस बात को लेकर है, चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में जो प्रत्याशी जिताने की बात है उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा की सीटें हैं लेकिन 11 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से 8 प्रत्याशी थे और समाजवादी पार्टी से 3 प्रत्याशी थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन प्रत्याशी खड़े किए गए थे। नवीन जैन, संजय सेठ, आईपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह और साधना सिंह, ये 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से आलोक रंजन, जया बच्चन और लालजी सुमन, 3 प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये 11 प्रत्याशी हो जाते हैं और एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत है होती है। अब ऐसे में गणित क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि इस गणित को पा लेने में समाजवादी पार्टी सफल होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो रात से ही समाजवादी पार्टी के खेमे में इस बात की बेचैनी हो गई थी, क्योंकि डिनर पार्टी आयोजित की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब डिनर पार्टी आयोजित किया तो उसमें करीब 8 विधायक उनके नहीं आए। बस वहीं से इस बात की आशंकाएं होने लगी कि समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की जाएगी, जिनके दम पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना 8वां प्रत्याशी जिता लेगी। क्योंकि आपको बता दें कि एनडीए के पास 288 एमएलए हैं, जबकि अखिलेश यादव के पास 108 एमएलए हैं, कांग्रेस के 2 विधायक अतिरिक्त हो जाते हैं। दरअसल बीजेपी के 8 जो कैंडिडेट हैं उन्हें जिताने के लिए 8 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है बीजेपी को, जबकि समाजवादी पार्टी को अपना 3रा प्रत्याशी जिताने के लिए 31 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के ऐन वक्त पर भारी सेंध मारी कर दी। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के करीब 8 जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी है। हालांकि इस बीच और एक अहम खबर ये आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जो खुले तौर पर बैटिंग करते भारतीय जनता पार्टी के नजर आ रहे हैं, उनके 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए हैं। तो इस बीच जो खबर ये आई कि समाजवादी पार्टी के 8 विधायक ऐन वक्त पर जो पाला बदल चुके हैं, उस पाला बदलने के कारण भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है जिसकी, चूंकि जनसत्ता दल जो रघुराज प्रताप राजा भैया के 2 विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए। और हालांकि इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि बीएसपी के जो एकमात्र विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए। और ये सारे विधायक क्रॉस वोटिंग करने के बाद एक एक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वही विधानसभा परिसर में बाकायदा मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह जाल बिछाया कि हर एक विधायक के पीछे अपना मजबूत जो है नेता तैयार खड़ा कर दिया ताकि इधर उधर न जा सके। हालांकि आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने उधर से मोर्चा जरूर संभाला हुआ है और लेकिन इन सब के बीच ये पूरी तरीके से तय होता दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो 8वां प्रत्याशी है, वो समाजवादी पार्टी का जो 3रा प्रत्याशी है उसकी जीत बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हो चुकी है। हालांकि इस बीच बड़ी राहत समाजवादी पार्टी के लिए इस बात को लेकर आई जो पल्लवी पटेल को लेकर अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच सीधे तौर पर वार चल रहा था,
आज पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही वोटिंग कर दी है और उन्होंने पीडीए को वोट देना बताया है और उन्होंने कहा जो भी बात है वो बाद में की जाएगी, लेकिन आज उन्होंने पीडीए को अपना लिया। अब ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर समाजवादी पार्टी के वो कौन विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, जिनको लेकर के चर्चाएं हैं, तो ये हर कोई जानना चाह रहा था। तो इसलिए आप बता दें आपको, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और गोसाईगंज से अभय सिंह, अमेठी से महाराजी देवी, कालपी से विनोद चतुर्वेदी, अंबेडकर नगर से राकेश पांडे, सिरातू से पल्लवी पटेल तो ऊंट समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर दिया, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किए हैं। इसमें ऊंचा हार से मनोज पांडे, जिन्होंने आज जो मुख्य नेता थे विधानसभा में उसके पद से भी इस्तीफा दे दिया है, और मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर आ गए हैं, और चायल से पूजा पाल, ये ऐसे विधायक जो अब समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर क्रॉस वोटिंग करने बताए जा रहे हैं। फिलहाल रिजल्ट आने में अभी समय है, लेकिन इस बीच ये चर्चाएं हैं कि ये लोग क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। उधर राजा भैया खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने दावा भी कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक इस बार सभी राज्यसभा जो उम्मीदवार हैं वो सभी जीतेंगे। और ऐसे में प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से बड़ा बयान आया कि एक दो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उन्हें जनता सबक सिखा देगी। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि ये खरीद फरोख्त की गई है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि डराया गया है, धमकाया गया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो राज्यसभा सदस्य हैं, वो जो प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर मतदान कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यसभा सदस्य बनने का रास्ता करीब करीब जो है पक्का माना जा रहा है। फिलहाल अभी जो है मतदान होना बाकी है, नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से आ रही हैं। आज लखनऊ का तापमान बहुत ही गर्म है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव अपने विधायकों को बचाने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसको इस बात की महारत हासिल है तोड़फोड़ करने की, वो फिर से एक बार तोड़फोड़ करती हुई दिखाई दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसी के दम पर हमेशा चुनाव में कुछ नया करने की कोशिश करती है, और वो कई बार सफल भी होती है। अब वो इसकी भी चिंता नहीं करती कि वो किस हद तक जाएगी, उसको इसकी चिंता नहीं रहती है, और यहाँ भी यही दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको बता दें, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत की अग्रिम बधाई भी देना शुरू कर दिया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनका पूरी तैयारी है, पहले से ही गणित अपने पक्ष में करने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ रविदास मल्होत्रा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनका बड़ा बयान आया है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा इस तरीके से। तीसरी बात यह है कि मनोज पांडे की मुख्य सचेतक की जो प्लेट लगी हुई थी उसे हटा दिया गया है, उस पर सफेद पट्टी लगा दी गई है। ये सारे घटनाक्रम आज हो रहे हैं, कुछ देर बाद नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे आई इंडिया के जो दर्शक थे वो जानना चाह रहे थे कि आखिर राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, तो ये बताना लाजमी था। इस बीच ये भी खबर आ रही कि विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, जिसमें राकेश सिंह है, राकेश प्रताप सिंह, और इसी तरीके से अभय सिंह है, और विनोद चतुर्वेदी हैं, राकेश पांडे हैं, इन लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर ली है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसा करती है उसमें सफल होती हुई दिखाई दे रही है। नतीजे जैसे आएंगे सबसे पहले
आई इंडिया अपने दर्शकों को पहुंचाने का काम करेगा। बिल्कुल, नतीजे कुछ भी हो, फिलहाल भाजपा ने जो है जिस तरह से गुड़ागड़ी चलाई थी उसमें उसका रास्ता जो है साफ दिख रहा है, और ये लोकसभा चुनाव से पहले जो राज्यसभा का चुनाव है इससे जो चुनावी गलियारा है उसमें काफ़ी हलचल दिख रही थी, और इस हलचल को बयां किया सीतापुर के आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी ने। तो सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।